जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी, और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को मुख्यमंत्री के चयन, मंत्रिमंडल का गठन, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीजों में निराशा हाथ लगी है। कहीं भी जो वादा किया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है, और ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित में पहुंची, और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके कैबिनेट मंत्री ये हाथ जोड़ के कहता है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। लेकिन आज तक उनके इस्तीफे का कोई फैसला नहीं आया। एक दिन मंत्री की डिजायर लेटर पैड पे साइन करते हैं, दूसरे दिन विधायक पे करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं, और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो ऐसा ही पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग बागों के एक जुबान पे आ गया कि ये सर्कस है, और अब यूटर्न सरकार बन गई है। और यूटर्न सरकार इसलिए बन गई कि एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यूटर्न ले लिया। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यूटर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम समायोजन करेंगे, जो रिक्त पोस्टें हैं उनके ऊपर, उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मंत्री जी ने कहा कि दूध योजना बंद करके हम मोटे अनाज की योजना लाएंगे, उसको भी नहीं किया। जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। आना और निरस्त होने से बड़ी बात यह है कि मंत्री ये जवाब दे कि कुछ त्रुटियां रहेगी उसको सुधार करेंगे, और UDH मंत्री जारी करते हैं कि हमारे सेवर सदस्य जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में, उसको भी 24 घंटे में निरस्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए, बरसात में सड़क टूटी पड़ी है उनकी बात नहीं कर पाए, बरसात में किसान की फसल खराब हो गई उसका मुआवजा की बात नहीं कर पाए, कोट पैंट सिला लिए और विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, और विदेशों में कोई इनसे मीटिंग ही नहीं कर पा रहा है, होटल में बैठ करके और पर्यटक की तरह घुमाई कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की जनता देख रही है, और इस चुनाव में मैं समझता हूँ कि उपचुनावों के अंदर इनको सबक सिखाएगी कि आप जनता के लिए, जनता ने आपको बनाया था इसलिए जनता के लिए काम कीजिए। आज एक MLA ये नहीं कह सकता कि मैं इस सरकार में ये काम सही काम भी करा सकता हूँ, एक मंत्री नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, ब्यूरोक्रेसी का भी मनोबल टूटा पड़ा है, 3-4 ग्रुप हो गए हैं, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में जनता ने सरकार बनाई, लेकिन सर्कस देखने को मिल रहा है। गुड गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है।